दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट क्या है? इस पर कुछ बुद्धिजीवी ये कहेंगे कि इंटरनेट तो इंटरनेट है, बस अपने मोबाइल का मोबाइल डेटा ऑन किया और हो गया इंटरनेट ऑन। लेकिन गाइस, ये इंटरनेट का सही मतलब नहीं है। मोबाइल डेटा ऑन करने से आपका मोबाइल इंटरनेट से तो कनेक्ट हो जाता है, पर वो इंटरनेट नहीं है। तो गाइस, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंटरनेट क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? वेल गाइस, मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ कि इंटरनेट क्या है। तो गाइस, ये जानने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। गाइस, इंटरनेट असल में कोई डिवाइस या कंप्यूटर नहीं है, बल्कि वर्ल्ड वाइड वेब का एक हिस्सा है और यह डेटा के रूप में मौजूद रहता है, जो कि सर्वर में स्टोर होता है और वायर्स की मदद से पूरे वर्ल्ड से गुजरता है। यह एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। और जब आप किसी तरह के डेटा को सर्च इंजन के द्वारा सर्च करते हो, तब आगे सर्च इंजन इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से सर्च करके आपके सामने पेश करता है। आज के समय में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक डेटा यदि किसी सर्वर में मौजूद है तो वो है गूगल के सर्वर में। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन गूगल है। इसी कारण जब कोई कंपनी किसी तरह का डेटा क्रिएट करती है और चाहती है कि उनके डेटा को लोग पढ़ने और देखने उनकी वेबसाइट पर आए, तो ऐसे में वो कंपनीज अपने डेटा को गूगल सर्च इंजन के साथ शेयर करता है और गूगल पर डेटा को दिखाने के लिए गूगल के सर्वर में स्टोर करने की परमिशन देता है, ताकि जब भी उससे रिलेटेड डेटा को सर्च किया जाए तो गूगल उसके वेबसाइट पर विजिटर्स को भेज सके। वेल गाइस, इंटरनेट को एक सिंपल वर्ड में डिफाइन करूं तो इंटरनेट एक अंग्रेजी का वर्ड है जिसका मतलब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, और हिंदी में इसे अंतरजाल कहा जाता है, जिसका मतलब नेटवर्क का एक ऐसा जाल होता है जो दुनिया भर के कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। इन रियलिटी इंटरनेट बहुत सारे नेटवर्क का जाल ही तो है, जिसने पूरे विश्व को एक साथ बांध कर रखा है और पूरी दुनिया के लोगों को आपस में एक परिवार के जैसा जोड़ दिया है, क्योंकि आप इसकी मदद से जिसे चाहो उससे बात कर सकते हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। इंडिया में इंटरनेट 1989 में ही आ गया था, लेकिन अभी भी इंडिया के कई लोग इंटरनेट का यूज़ ना के बराबर ही करते हैं, और वैसे भी गूगल पर लोग हिंदी में बहुत ही कम सर्च करते हैं। इसके बजाय गूगल पर सर्च करते समय इंग्लिश शब्द का यूज़ किया जाता है। वैसे गाइस, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है और ना ही इस पर किसी का कोई अधिकार होगा, क्योंकि इंटरनेट की सेवा एक दूसरे की सहयोग से ही हम तक पहुंच रही है। इंटरनेट को फाइबर ऑप्टिक केबल की मदद से पूरी दुनिया में पहुंचाया जाता है, और एक फाइबर केबल हजारों पतले पतले फाइबर केबलों से बनी होती है। अगर एक फाइबर केबल की बात करें तो यह हमारे सिर के एक बाल के बराबर होती है। पृथ्वी पर इंटरनेट चलाने के लिए पूरे ग्लोब में फाइबर ऑप्टिक्स केबल को बिछाया गया है। इन्हीं फाइबर ऑप्टिक्स के द्वारा हम इंटरनेट चला पाते हैं। यह केबल समुद्र से लेकर जमीन तक सब जगह बिछी हुई है। इन केबलों में वेव ऑफ लाइट के द्वारा डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। यह डेटा ट्रांसफर के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। वेल गाइस, आज के लिए इतना ही। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।